अरे रे रे मुन्नू, नाश्ता तो कर ले बेटा, सुबह से लगा हुआ है। अरे अम्मा, अभी आने वाला है बैलगाड़ी लेकर गुज्जू सेठ, वो लेकर जाएगा इसे। अरे रे रे, काम तो रोज होता है, क्या करेगा, खाना नहीं खाएगा, खाना तो खाना ही होगा ना। हाँ अम्मा, मैंने कब कहा खाना नहीं खाऊंगा, खाना तो खाऊंगा ही। चुप कर, बहुत बोलता है, चल घर के अंदर आ और खाना खा। मुन्नू कहता है, अच्छा अम्मा आ रहा हूँ। अरे क्या सुंदर सुंदर बर्तन मिट्टी के बनाए हैं। हाँ भाई, बनाए तो बहुत अच्छे हैं। चलना, दो तू ले लेना, दो मैं ले लूँगा। अरे तू तो मेरा मेहमान है टीकू, तू तो जरूर ले, जितना मन करे उतना ले। चल चलता हूँ, इस गांव का मुखिया हूँ मैं, मुखिया। अ किसकी मजाल है जो तुम्हें ना दे। मीनू मौसी, ओ मौसी घर में हो? क्या बात है मुखिया जी। अरे मुन्नू, कितना सुंदर सुंदर तुमने बर्तन बनाए हैं मिट्टी के। वाह 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 भाई, देख कर ही समझ में आ जाता है, तेरे जैसा बर्तन बनाना तो सबके बस की बात नहीं है मुन्नू, तू कमाल का है, कमाल का। अरे मुखिया जी, ये तो आपका बड़प्पन है जो इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं, मैं तो बस मेहनत करता हूँ मुखिया जी, और कोई बात नहीं है। अरे वो तो ठीक है, सुन मुझे ना दो इसमें से मटके चाहिए, और दो मटके मेरे दोस्त टीकू को भी चाहिए। मुखिया जी ये तो बात हो चुकी है, ये अभी बैलगाड़ी लेकर आएगा गुज्जू सेठ और सारे मटके उठाकर ले जाएगा। क्या बात करता है यार, मैं मुखिया हूँ इस गांव का, थोड़ा तो लिहाज करो। दो दो चार मटके ही तो लूंगा, सारा थोड़ी मांग रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है मुखिया जी, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ले लीजिए। चलो चलो टीकू, ले लो तुम भी और मैं भी ले लेता हूँ। दोनों ने दो दो कलसी उठा लिया। मुन्नू बोला, मुखिया जी 40 40 80 और 80 160 रुपए हो गए। क्या बात कर रहा है मुन्नू, मैं मुखिया हूँ इस गांव का, मेरे से पैसे लेगा तू? मुखिया जी पैसे तो देने होंगे, मैं तो मेहनत करके बनाता हूँ, ऐसे खुद से थोड़ी बन जाते हैं, इतनी मेहनत लगती है, उसका तो पैसा देना होगा ना। अच्छा बड़ी जुबान चलती है तेरी, अपने मुखिया को तू दो मटके भी नहीं दे सकता? नहीं मुखिया जी, बहुत मेहनत लगता है, बनाओ धूप में सुखाओ, इसको पॉलिश करो, तब जाकर ये बिकती है, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा अभी बताता हूँ। मुखिया जी ये क्या कर रहे हैं, रुक जाइए। अरे रे रे, ओ मुखिया रुक जा, अरे नाश पीते, ये क्या कर रहा है तू? ये ले तेरे सारे मटके टूट गए, हाय हाय मैं तो बर्बाद हो गया। अरे रे रे, क्या किया मुखिया तूने, नाश पीते, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? हाँ हम मेहनत करके खाते कमाते हैं, तुझे नहीं दिखा? अच्छा तो तू जुबान भी लगाएगी मेरे से? ठहर जा, अब तू बना मटके, जिस दिन तेरे मटके तैयार हुए उसी दिन मैं लठैत भेज कर मटके तुड़वा दूंगा, याद रखना ये मुखिया कह रहा है, मुखिया ऐसा ही होगा। देखा ना टीकू किस तरीके से समझाया इसे। अरे हाँ भाई देखा, तू तो बड़ा ताकतवर है इस गांव में। हाँ तेरी तूती बोलती है। हाँ दोस्त, जब भी मन करे इस गांव में घूमने आ जाना। अब बिल्कुल बिल्कुल। चुप कर बेटा, कोई बात नहीं है, तू फिर से बना लेगा। माँ अभी आने वाला होगा गुज्जू सेठ, उसे क्या दूंगा मैं, अब कम से कम 3 दिन और लगेंगे, तब जाकर तैयार होंगी। जाने दे बेटा, मत रो।
अरे मुन्नु, कहाँ है तुम्हारे मटके? तैयार नहीं है क्या? अरे क्या बोलूं सेठ जी, सारे मटके तैयार रखे थे, इस मुखिया बाज ने आकर सब गुड़ गोबर कर दिया, सारे मटकों को तोड़ दिया। अरे भाई देखो, तुम्हारे गांव का कलह से मुझे क्या मतलब है, मुझे तो अपने धंधे से मतलब है ना। ये बताओ कि मुझे मटके कब मिलेंगे? अब भैया 3 दिन और दे दो मुझे, 3 दिन में मिल जाएंगे सेठ जी। देखो ये आखिरी बार 3 दिन दे रहा हूँ, अगर इस बार तुमने मटके नहीं दिए तो मैं किसी और गांव में किसी और कुम्हार से मटके लेना शुरू कर दूंगा। देख भाई, धंधा चंगा होना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है धंधा। ठीक है सेठ जी। पता बना लेगा तू बेटा, परेशान मत हो। हाँ माँ, बना तो मैं लूंगा, लेकिन मुखिया कह के गया है कि वो फिर से तोड़ेगा। आज मुझे बात करनी ही होगी, मुझे पता था बारिश भी होगी, जब भी मैं वहाँ जाऊंगी जरूर कुछ न कुछ होगा। अरे रे रे, मैं जानती हूँ तुम यहीं पे हो, मेरी मदद करो। तुमने कहा था जब मुसीबत हो तो मुझे याद करना, आज मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। मेरे ऊपर मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है, मेरे बच्चे को परेशान किया जा रहा है, मेरे मटके तोड़े जा रहे हैं, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आ गई तुम, क्या हुआ, क्या बात है, तुम बोलो क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा चलो, मेरा तंत्र अब तुम्हारे साथ है, जो भी मटके बनाओगी तुम वो सब जिंदा हो जाएंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, तुम निश्चिंत होकर जाओ। अम्मा कहाँ चली गई थी तुम, इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए बचाव की चीज लेने गई थी, ये ले, अब जितने भी बर्तन बनाएगा ना उस मिट्टी में ये वाली मिट्टी मिला देना। ठीक है। अरे तू काम पे लग गया है। हाँ मुखिया जी, आपकी तरह मुखिया थोड़ी हूँ जो पैर में पैर रख कर भी बैठा रहूँगा तो भी खाना मिल जाएगा, काम तो करना होगा ना। मालिक कैसी जुबान चल रही है, कैची की तरह। हाँ हाँ कहने दो इसे, अभी ये बर्तन बना ही रहा है, पकने दे पकने दे, मिट्टी के इस बर्तन को पहले पकने दे, पॉलिश होने दे, तब तोड़ने में मजा आएगा। चल अब यहाँ से। चलो भाई तोड़ना शुरू करो। हाँ हाँ आ जाओ, दिखा दो अपनी ताकत। अरे लगता है जैसे मटके ने हमें पकड़ लिया हो, करंट जैसा लग रहा है, बचाओ बचाओ। अभी मारता हूँ। अरे ये क्या, मेरा तो माथा फूट गया। अभी मैं मारता हूँ इसे। अरे मौसी माफ कर दो मौसी, अब नहीं करूंगा मौसी, छोड़ दो मौसी।
अरे जान बची, अब नहीं करूँगा, अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे आज तो बर्तन तैयार है ना भाई। हाँ हाँ ले जाइए आप, आज बर्तन तैयार है। अरे चलो भाई, अच्छा हो गया, नहीं तो मैं तो सोच रहा था पता नहीं अब किससे लेने होंगे। आगे कौन निकल जाती है। अरे जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, बेटा आने वाला है। हाँ आते ही उसे खाना दूंगी सबसे पहले, मेरा बच्चा बहुत भूखा होगा। माँ माँ। अरे आजा मुन्नू, बाहर दरवाजे पे क्या कर रहा है। माँ बाहर आओ ना। अच्छा आती हूँ। अरे ये कौन है, ये किसे साथ में ले आया है, और ये माला वाला डाले हुए है, तू भी माला पहने हुए है, क्या बात है। अम्मा ये मेरी अरे रे आ बता क्या कर रहा है, क्या है जल्दी बचा, तूने कहीं ब्याह तो नहीं कर लिया। हाँ अम्मा। अरे तू तो काम पे गया था, इसे कहाँ से लेकर आ गया। अम्मा वो जंगल में गया था, लकड़ी काट रहा था, ये बिचारी अकेली है, इसके माँ बाप मारे गए। अरे रे तो तू किसी को भी घर उठा कर ले आएगा, क्या सोच रखा है। अम्मा देखो अब अगर तुम्हें पसंद ना हो तो हम दोनों ही घर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और घर बनाकर रह लेंगे। अरे रे आओ आओ अंदर आओ, चलो घर में ही अब ले आए हो तो यहीं रहो, कहाँ जाओगे, चलो खाना बनाया है खा लेना। मुन्नू और उसकी पत्नी अपने कमरे में बैठते हैं। मुन्नू कहता है, देखा तुम बेकार में ही डरती रहती हो, माँ मेरी बहुत अच्छी है, तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। अरे थोड़ा बोलती है माँ लेकिन बुरा नहीं चाहती है। अच्छा मैं तो डर गई थी, मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। अरे नहीं नहीं डरने की कोई बात नहीं है। आ जाओ अब जमीन पर बैठ भी जाओ, खाना नहीं खाना है क्या। हाँ माँ चलो चलो नीचे चलो। ये ले बिटिया तू भी खा, और ये ले मुन्नू तू भी खा। अरे मैंने सोचा था कितने धूमधाम से तुम्हारा ब्याह करूंगी, ये क्या अचानक से लेकर आ गए, बताओ। और बिटिया तेरे माँ बाबा क्या करते थे। कुछ नहीं माँ जी, वो तो मजदूर थे। अच्छा तो घर बार खेत खलियान कुछ तो होगा ना। नहीं माँ जी उनके पास कुछ भी नहीं था, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल थी, दिन का खाना भी मिलना मुश्किल होता था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं है बिटिया, खाना खा ले, मुन्नू तू भी खाना खा ले, मैं भी थोड़ा आराम करने जा रही हूँ। अच्छा अम्मा जाओ, मैं भी थोड़ी देर बाद बाजार निकलूंगा, राशन तो लाना है ना। अरे रे बाहर तो बारिश हो रही है, राशन लाने के लिए कहाँ जाएगा। अम्मा वो तो ठीक है लेकिन खाना तो बनेगा ना, अब तो घर में एक और जन हो गए हैं, खाना कैसे खाएंगे। ठीक है चले जाना तू। आता हूँ मैं, तुम घर में ही रहो मुनिया, मैं जल्दी से राशन ले आऊंगा, और तुम माँ के साथ ना खाना बनाना सीख लेना। हाँ मैं सब सीख लूंगी।
हाँ बिल्कुल। अरे रे रे, इस नास पीटे ने तो किस भीखमंगी को उठाकर ले आया। ये भिखारिन हमारे घर में रहेगी है? जिसे खाने को आफत थी वो हमारे घर में पकवान खाएगी है? और मेरी और मेरे बेटे की जमी जमाई दौलत पे राज करेगी। देखो कहाँ से उठकर आई है। अरे मीनू नाम है मेरा, मीनू। इतनी आसानी से मैं तुझे मेरे घर में सेंध लगाने नहीं दूंगी। देखती जा मैं क्या करती हूँ। कुछ खाना बनाना है, कुछ काम है क्या? अरे रे रे, अभी तो खाना खाया ना बिटिया, रात का खाना बनाना होगा। सब्जियाँ पड़ी हुई है, जब तक मुन्नू नहीं आता है तब तक सब्जियाँ काट ले, रात की तैयारी कर ले। ठीक है माँ। माँ बैगन तो ये नहीं खाते हैं ना? अरे रे रे, वाह तुझे तो सब बता दिया इसने है? हाँ बैगन नहीं खाता है वो। बैगन खाता है तो उसके शरीर में दाने निकल आते हैं। बैगन का इस्तेमाल ना करना। ठीक है अम्मा। अम्मा, अम्मा राशन ले आया हूँ। ले जा, रसोई में रख दे। अरे वाह, तुम तो घर के काम में भी लग गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बस सीखने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ जल्दी ही सीख जाओगी। अम्मा क्या सोच रही हो? अरे रे, कुछ नहीं सोच रही हूँ बेटा। बस ना, मैंने कल देखा गिन्नी बहुत अच्छा हार पहने हुए थे, एकदम बड़ा सा। मेरा मन बहुत किया मैं भी पहनूं, फिर मुझे याद आया मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं हार कहाँ से पहन सकती हूँ। अरे अम्मा तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना, मेरे पास पैसे जो है और बाकी थोड़ा कर्जा ले लूँगा, मैं तुम्हें हार ला कर दूंगा। अम्मा तुम परेशान बिल्कुल मत हो। अच्छा बेटा तू लाकर देगा मुझे? हाँ हाँ अम्मा बिल्कुल लाकर दूंगा, तुम्हारा बेटा हूँ, इतनी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूँ। ठीक है बेटा। देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। अरे रे रे, ना मेरे बेटे के पास पैसा रहेगा और ना वो तुझे कीमती कीमती चीजें देगा, मैं उसे एकदम खाली कर दूंगी। अम्मा मैं जा रहा हूँ काम पे। ठीक है बेटा जा तू। अरे रे, देख बेटी मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं बची है, घर का सारा काम अब तुझे ही करना होगा। जाओ और जाकर झाड़ू दो और खाना भी बना लेना, बर्तन भी धो लेना, उधर कोने में कपड़े पड़े हैं कपड़े भी धो लेना। ठीक है अम्मा, लेकिन ये सारा काम आज हो पाएगा? अरे रे रे, ये सारा काम मैं तो करती ही थी ना, तो तू नहीं कर सकती? अच्छा अम्मा मैं कोशिश करती हूँ। अरे रे रे, कितनी देर लगा दिया, बर्तन भी हैं और भी काम है। हाँ अम्मा करती हूँ।
अम्मा ये लो, यही चाहिए था ना तुम्हें। अरे रे रे, वाह 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 बेटा, ये तो बहुत कीमती होगा ना। हाँ अम्मा, थोड़ा कीमती तो है। 30,000 रुपए मैंने लिए हैं मुखिया ब्यास से कर्जे पर, और बाद बाकी मेरे पास जमा था। अरे रे, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो बेटा, आज बहू ने खाना बनाया है, चलो सब साथ मिलकर खाते हैं। ठीक है अम्मा। अरे मुनिया, तूने सब में बैगन क्यों दे रखा है? बैगन तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये खाने में बैगन कहाँ से आया, तुम्हें नहीं पता क्या? हाँ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया है, और माँ ने भी बताया होगा। हाँ, मैंने बैगन नहीं डाला था। तो फिर ये बैगन आया कहाँ से? तुम्हें देख रहा हूँ मैं, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा। देखो मुनिया, थोड़ा ध्यान से रहा करो। अरे बेटा, क्या तू भी छोटी छोटी बातों में आपस में उलझने लगता है? खाना रखा हुआ है, खाना खा, बात बाकी बाद में देखी जाएगी। अम्मा, बैगन नहीं खाऊंगा मैं। अरे कोई बात नहीं है, चावल दाल खा ले, बैगन खाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा, तुम कहती हो तो चावल दाल खा लेता हूँ। अरे तूने तो बैगन क्यों मिला दिया? अम्मा मैंने नहीं मिलाया, मैंने तो उस दिन भी नहीं मिलाया था, पता नहीं कहाँ से बैगन आ गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ये देख तेरा पति मेरे लिए कितना सुंदर हार लेकर आया है ना? हाँ अम्मा, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है अम्मा, उन्होंने आपके हार दिया है। हाँ ये बात तो है। अरे रे रे, अभी तो बैगन डाला है, अभी तो और भी शुरुआत होनी है। तू परेशान मत हो, जैसे ये तुझे लेकर आया है वैसे ही ये तुझे छोड़कर भी आएगा। मन ही मन मीनू मौसी ऐसा कहती है। अरे रे रे रे, हाय हाय हाय, अरे क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हाय हाय हाय। अरे अम्मा, क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, तूने मुझे इतना बढ़िया हार दिया था, इतना कीमती हार, पता नहीं कहाँ है, लगता है किसी ने चोरी कर ली। अम्मा, हम तीनों के अलावे इस घर में तो कोई आता जाता भी नहीं है, कौन चोरी कर लेगा अम्मा? अरे रे रे, मुझे क्या पता, तूने बिना जाने सुने कहाँ से इसे लेकर आ गया है, तू पूछ अपनी पत्नी से। मुनिया, तुमने चुराया है क्या? माँ ने कल तुम्हें दिखलाया था ना? अरे मैं ऐसा क्यों करूँगी, अपने ही घर में कोई चोरी करता है क्या? अरे रे रे, तेरा ये अपना घर अभी कहाँ से हुआ, तू तो अभी पराई है। अम्मा, ये तो अजीब बात है। अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे लिए दूसरी हार ले आऊंगा। अरे रे रे, रहने दे, मुझे अब नहीं चाहिए हार, जो चला गया सो चला गया। चलो कोई बात नहीं है अम्मा, ये मुनिया चोरी नहीं कर सकती है, इतना तो मैं जानता हूँ, इतना तो मैं जानता हूँ। तुम परेशान मत हो अम्मा, सब बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। अरे रे रे, पता नहीं। मैंने तो हार चोरी नहीं किया, पता नहीं ये हार कहाँ चला गया है। अम्मा कहाँ हो? मैं छबेली। अरे मेरी बिटिया, कब आई तू अपने ससुराल से? अम्मा अभी अभी आई हूँ, सोचा तुम लोगों से मुलाकात कर लूं। अरे रे रे, बहुत बढ़िया किया छबेली। हाँ, कितने समय से सोच रही थी कि तुझे घर बुलाऊं, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था, तू खुद से आ गई।
अरे मुनिया जा जा, जल्दी से नाश्ता ले आ, पकौड़े बना, चाय बना, तेरी ननद है ये सगी वाली। हाँ हाँ माँ जी, अभी करती हूँ। अम्मा ये कब आ गई? ये तो मुझे पता नहीं था। अरे रे रे, क्या बताऊं छबीली, मुझे कहाँ पता था कि ये लेकर आ जाएगा मुन्नू। एकदम गरीब परिवार से है, कोई नहीं है, न खेत है न घर है, कुछ भी नहीं है, आकर मेरे सीने में डाल दर रही है। अम्मा ये तो बहुत बुरी बात है, हमारा इकलौता भाई, हम तो किसी अच्छे बड़े घराने में देते। अरे रे रे, क्या बोलूं छबीली, मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, कितने समय से कोशिश कर रही हूँ इसे भगाने की, लेकिन मेरा वो बेटा, उसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, पता नहीं इसने कौन सा काला जादू कर दिया है, मेरी बात ही नहीं सुनता है, हर बात पे मुनिया ऐसा नहीं कर सकती, मुनिया वैसा नहीं कर सकती। अम्मा तुम्हारी बेटी हूँ, छबीली नाम है मेरा। अरे ठहरो अम्मा, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारी सारी तकलीफ दूर कर दूंगी। मैं पकौड़े लेकर आई हूँ, चाय भी है। अरे रे रे, भाभी रख दो यहाँ पे। और फिर वो पकौड़े खाती है। आ हा 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 हा, क्या पकौड़े बनाए हैं भाभी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है भाभी, मेरी माँ तो बहुत किस्मत वाली है जो उसे तुम्हारी जैसी बहू मिली है। वाह वाह भाभी, इतने अच्छे पकौड़े। चाय में भी खूब स्वाद है भाभी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं थोड़ा रसोई का काम कराती हूँ। हाँ हाँ भाभी जाओ। अरे रे रे, तू तो अभी कुछ और कह रही थी, उसके सामने ये क्या कह रही है? अरे अम्मा तुम ना सठिया आ गई हो, बुढ़िया आ गई हो, दिमाग भी तुम्हारा अब पहले जैसा धार नहीं है। अरे क्या बोल रही है, ठीक से बोल। अम्मा पहले भैया को भेजो परदेश कमाने के लिए, फिर इसका इलाज हम लोग करेंगे। ठीक है, आने दी फिर उसे। अरे रे रे मुन्नू, मुखिया बाज का कर्जा जो लिया है उसे तो चुकाना होगा ना बेटा। हाँ अम्मा, वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, नहार रहा और कर्जा माथे पर ऊपर से अलग हो गया। अरे रे रे सुनना, मेरा भाई रहता है इस नदी को पार करके 4 कोस दूर जाएगा तो वहाँ मेरे भाई का घर है, वहाँ बहुत धंधे हैं। कल एक परदेसी पंछी आया था, उसने मुझे बताया, तो मैं चाहती हूँ तू अपने मामा के पास चला जा। अच्छा अम्मा, मामू के पास जाना है तो मैं चला जाऊंगा, जब बोलो। कल ही चला जा बेटा। ठीक है अम्मा, चला जाता हूँ। अच्छा अम्मा जा रहा हूँ। मुनिया अपना ध्यान रखना, छबीली तुम भी अच्छे से रहना। हाँ हाँ भैया, जाओ ना तुम। माँ तुम्हारी टेंशन खत्म हुई ना, चली गई, अब जब भैया आएगा तो कह देना भाग गई, तुम नहीं थे, न जाने कहाँ चली गई। अरे रे रे, वाह 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 बिटिया, क्या दिमाग लगाया है तूने, मजा आ गया अब तो। हाँ माँ अब चलो घर। अरे मैं तो भूल ही गया, मुझे कुछ धन तो ले लेना चाहिए, मटके में रखा था मैंने। अरे ना माजी भैया, वापस से ले चलो, जरा मटके पर से
पैसे ले लूं? पैसे तो एकदम भूल गया, परदेश में बिना पैसे कोई काम होता है क्या? अरे ठीक है भैया, अभी नाव घुमाता हूँ। अरे कोई है, बचाओ, मेरे पंख भारी हो गए हैं, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। अरे ये तो मुनिया है। अरे माँ जी उठाओ इसे। अरे मुनिया तुम पानी में कैसे आ गई? मुझे लगता है माँ जी और छबीली ने मुझे धक्का दिया। क्या बात कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें अगर यकीन ना हो तो घर चलकर देखो। चलो ठीक है जाता हूँ, तुम छिप जाओ, मैं अकेले घर जाता हूँ। ठीक है। अरे रे रे बेटा तू। हाँ माँ, मटके में पैसों की थैली छूट गई थी, उसे ही लेने आया था। और मुनिया कहाँ है? अरे क्या बताऊँ बेटा, वो तो नदी से ही भाग गई कहीं। अच्छा छबीली भाभी कहाँ है? अरे भैया न जाने कहाँ से लेकर आए थे तुम, वो तो उधर से ही भाग ली, पता नहीं कैसी थी। अच्छा है अम्मा, चलो मैं मुनिया को लेकर जा रहा हूँ। मुनिया तुझे कहाँ मिली? वही अम्मा, नदी के पानी में मिली। और तुम दोनों आराम से रहो, मैं अपना घर अब अलग ही बसाऊंगा, मैं नहीं सकूंगा तुम लोगों को साथ रख कर रखने। माँ मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। अरे रे मुसीबत में तू भी मुझे छोड़कर जा रही है। अम्मा कितने दिनों तक तुम्हारे पास रहूंगी, अब मुझे तो अपना घर संसार देखना होगा ना। चलो अम्मा तुम रहो यहाँ पे। अरे रे मुझे छोड़ के मत जा, ही गलत थी, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। हाँ इतना अच्छा बेटा और कितनी अच्छी बहू थी, मैंने ही लालच करना शुरू कर दिया, इसी वजह से तो ये सब होना शुरू हो गया है। मुन्नू भाई कैसे हो? ठीक हूँ भैया, और बताओ कैसे आना हुआ? अरे अब माँ ने गलती कर दी तो क्या उसे अलग ही कर दोगे, इतनी बड़ी सजा दोगे? उसे बुला लो। नहीं गुन्नू भैया, मेरी पत्नी और वो साथ नहीं रह पाते हैं, मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाती है, मैं घर में साजिश नहीं चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। अरे जाओ, कभी कभी बड़े भी गलतियाँ कर देते हैं, उन्हें भी माफ करके अपने साथ रखना चाहिए। मीनू मौसी अब साजिश नहीं करती थी और अब अच्छे से रहने लगी।